देवलेखा, देवलेखा, ये क्या किया तुमने देवलेखा? क्यों किया तुमने? परी का जीवन तो भगवान का वरदान होता है, तुमने उस वरदान को क्यों ठुकराया? क्यों आत्महत्या की? ये पाप है। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तुम्हें इंसान बनकर धरती पर जन्म लेना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि परीलोक में अपना रास्ता ढूंढ लोगी, ढूंढ लोगी। देवलेखा, देवलेखा। कहते हैं यहीं पर धरती फटी और वो राक्षस उसमें समा गया। उसके भाई का पुतला भी यहीं बना है, क्योंकि वो अपने भाई से अलग नहीं रह सकता था। लोगों के लिए एक इंसान का पुतला है, लेकिन जो सच जानते हैं उन्हें पता है कि एक राक्षस था। काका, इस अश्वत्थ का क्या हुआ जो परी से इतना प्यार करता था? पता नहीं। और वो राक्षस बालका और उसकी बेटी, उन दोनों का क्या हुआ? और काका, ये जो हमले हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? मौत तो एक राक्षस की हुई थी, बाकी तो सब जिंदा हैं। हो सकता है उन्हीं में से कोई करवा रहा हो, या फिर कोई और। और काका, वो परी, उसका क्या हुआ? क्या उसका पुनर्जन्म हुआ या फिर उसकी कहानी वही खत्म हो गई? ये एक राक्षस और परी की एक बनहूस प्रेम कहानी है। एक स्वर्ग से ऊपर, दूसरा स्वर्ग से नीचे, दोनों का मेल कभी हो ही नहीं सकता जब तक किस्मत न चाहे। लेकिन मैं जानता हूं परी का जन्म होगा। बस 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 बेटा। और जिस दिन वो जन्म लेगी, बस थोड़ी देर और, इस कहानी की नई शुरुआत होगी। बस बेटा, बस बस बेटा। नहीं बेटा, बस हो गया, हो गया। जल्दी जल्दी जाके होने वाले बच्चे के बाप को बुलाओ। हाँ, बच्चे के आने का वक्त हो गया, जल्दी करो यार। तो अच्छा है साहब ने बेटी की जन्मदिन की हमें पार्टी दी है। मैं तो कहता हूँ रोज साहब है ना जन्मदिन मनाया, रोज हम लोग पीते ना। चलो आओ। मैनेजर साहब, जल्दी चलिए, आपकी बीवी आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। मुफ्त की विलायती दारू छोड़ के कौन जाएगा? बस 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 बस। क्या हुआ दाइमा? मेरे बच्चे रो क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं रो रही है मेरे बच्चे? बिटिया, तेरी तेरी बिटिया मरी हुई पैदा हुई है। अरे कौन चिल्ला रहा है यहाँ पर? तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? तुमने आज भी शराब पी? हाँ पी तो। भगवान ने दंड दिया, बेटिया घर की लक्ष्मी होती, किस्मत से मिलती है। नहीं आई लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी मतलब बेटी ना। अच्छा है पैदा होने से पहले ही मर गई वो। एक काम करो, इस लाश को लेकर ना साहब के पास चले जाओ। साहब की बेटी का जन्मदिन है, हो सकता है साहब इस लाश को देखकर तुझ पर तरस आ जाए और तुझे इनाम में पैसे दे दे। वो पैसे तुम मुझे दे देना। चल 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 चल। बेटी की मौत का सौदा करने वाला बाप तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। बहुत दुआएं देती है मुझे। ला ला इस बच्ची को मैं ले जाता हूँ, ला इस बच्ची को मैं ले जाता हूँ। देखता हूँ क्या करेगी तू। अरे ला मुझे। अब देखो तुम्हारी मरी हुई बच्ची को कैसे मैं नदी में फेंकता हूँ। कैसे नदी में फेंकता हूँ तू और तेरी मरी हुई बच्ची को? नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। अरे छोड़ो मेरी बच्ची को। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे।
मेरी बच्ची को भगवान ने लौटा दिया। तू भगवान का भेजा हुआ वरदान है, मेरी परी है तू। आज मैं इसका नाम रखती हूँ बेला। बेला, तुझ टिफिन में क्या लेकर आई है? रोज की तरह माँ के हाथ का खाना। मैं तो शीरा लेकर आई हूँ। रुको, हम लोग पहले भगवान को थैंक यू बोलते फिर खाते हैं। अरे गीता, आज तो टिफिन में क्या लाई है? सबका इतना अच्छा टिफिन, मेरे टिफिन में तो सिर्फ रोटियां है। भूल देती हूँ, आज टिफिन नहीं लाई। तो मैं आज टिफिन लाना भूल गई। गीता बोले ना, हमारी कल बात हुई थी, तू टिफिन नहीं लाएगी। तेरे इज्जत का खाना मुझे लाना है और मैं लाई भी हूँ। वहाँ बैठ, ये देखो गीता का टिफिन। तू चाहे तो अपनी रोटी मुझे भी दे सकती है। तुझे कैसा पता मैं रोटियां? मुझे पता है। अरे आप आ गए। आपने इस महीने में मुझे घर खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए, मैं कैसे घर चलाऊंगी? बेला की स्कूल फीस भी भरनी है, मेरे हाथ में एक रुपया भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? साहब ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी है, मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं? बेला जी। तौलिया लाना। जी पापा। बेला, इसे तो पता ही नहीं चलेगा, पैसे तो मैंने पुराने सॉक्स में डाल के पुरानी अलमारी में रखे हैं। अगर इसे पैसे दे दिए तो मेरी शराब कहां से आएगी? ये क्या है? ये पैसे कहाँ से आए? वो पापा ने आपसे झूठ बोला था, उन्होंने ये पैसे छुपा के रखे थे। तुझे कैसे पता? मैंने उन्हें ये पैसे छुपा के देखा था। हाँ। वो आपके डैड आपको बुला रहे हैं। बेला, खराब कर दिया हमारा पूरा रिहर्सल। नॉट फेयर। ओके सॉरी मलिका। तुम्हें पता है बैले कितना कॉम्प्लिकेटेड डांस फॉर्म है, भारी वजह से फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Okay, we'll do it again from the top, okay? Yeah. ये हमारी कॉलेज में है ना? हाँ, मेरे डैड के मैनेजर की बेटी है, इसी साल आई। देखो, अब तुमने हमारी प्रैक्टिस, डांस और मूड तीनों चीजें खराब की है ना, तो बदले में तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। क्यूट सा डांस नंबर परफॉर्म करके दिखाओ, हम तुम्हारे सीनियर हैं, इतना तो मानना ही पड़ेगा। ये सॉन्ग चलेगा? नो, मैडम के लिए तो कुछ इंडियन नंबर होना चाहिए। ये डांस तो मैंने पुराने फिल्मों में अप्सराओं को करते हुए देखा था। आई थिंक इसने ये डांस कहीं से सीखा है। नहीं, मैंने ये डांस कहीं नहीं सीखा। तुम्हें दिमाग पढ़ने भी आता है क्या? यार नाचा है तुमने, ऐसा लगता है तुम्हारे खून में डांस है। पर मेरे घर में तो किसी को डांस नहीं आता है। हाँ तो पूछो घर में, तुम्हारे तो रग रग में नाच है, एकदम परियों की तरह नाचती हो तुम। हो सकता है कि मैंने किसी अप्सरा को डांस करते हुए देखा हो। ये अप्सरा वगैरह ना सिर्फ किस्से और कहानियों में होती है, रियल लाइफ में नहीं। मुझे लगता है तुमने ये डांस जरूर किसी न किसी फिल्म वगैरह से देख के सीखा होगा। आई एम सरप्राइज्ड, क्लासिकल डांस तो दूर, मुझे तो डांस करना ही नहीं आता, तो फिर मैंने आज ये इतना मुश्किल डांस कैसे कर लिया? सपना। इसीलिए तुझे कहती हूँ ना, दिन रात ये जादुई दुनिया की कहानी और कविताएं लिखना बंद कर दे। दिन भर तू यही सोचती रहेगी, लिखती रहेगी, तो रात को ऐसे सपने जरूर आएंगे।
लेकिन तुझे क्या, तुझे तो लिखना है दिन भर। उमा मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल इंसानों वाली कहानी लिखूं, पर पता नहीं अजीब से थॉट्स आते हैं, मैं अपने आप ये जादुई दुनिया की कहानी लिखने लग जाती हूँ। ये सब छोड़, मुझे तो ये बता कि तेरी कंपटीशन की तैयारी तूने की या नहीं। सुपर तैयारी की है, एक फैंटास्टिक कविता लिखी है। बताओ। हाँ बता। मैंने एक परी और एक राक्षस की लव स्टोरी लिखी है। अरे वाह, मैं ना भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तू ये कंपटीशन जीत जाए, तुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तेरी इस कॉलेज की फीस माफ हो जाए। नहीं तो मुझे तेरे पापा के साहब के सामने तेरी कॉलेज की फीस के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे। तू तो अपने पापा को जानती है ना, उनसे पैसे मांगो तो क्या कहते हैं, लड़की की पढ़ाई के लिए पैसे बर्बाद क्यों कर रही हो। ओ, एक सेकेंड, और यहाँ ये आंसू क्यों बर्बाद कर रही हो। अरे मैं हूँ ना, मैंने इस कॉम्पिटिशन की जबरदस्त तैयारी की है, जीतेगी आपकी बेटी, प्रॉमिस। ये कॉम्पिटिशन एंड ऑल इज नॉट माई थिंग। तुम्हें पता है ना, इस कंपटीशन की चीफ गेस्ट मेरी मॉम है, तो अगर तुम ये कंपटीशन जीत गई तो मॉम इंप्रेस हो जाएंगी। अब रोशन मॉम आ रही है। ऑल द बेस्ट। बाय बेबी। गॉश, अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा मुझे। क्या? आदि की मॉम को इंप्रेस करना है। तेरे पास कोई पोएम एंड ऑल तो है नहीं, तूने तैयारी भी नहीं की है और तुझे तो आता भी नहीं है। आज जंगल में फिर से जंगली जानवरों का हमला हुआ है और यहाँ पर दो लाशें बरामद हुई। अभी हमें वहाँ पर होना चाहिए था इस हमले की तहकीकात करने, लेकिन हम एक यहाँ पर वीआईपी चीफ गेस्ट के बंदोबस्त के लिए लगे हुए हैं। तो सर आपको कैसे पता कोई जंगली जानवर ही थे? अरे जंगल में जंगली जानवर ही तो होते हैं ना। सर 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 सर, लड़के ने गेट पे टेपो लगा दिया, बहुत ही संगी लड़का है, हटाने को तैयारी नहीं है। चलो देखते हैं, पकड़ो इसको और यहाँ ध्यान देना। चलो सर। अरे टेम्पो किसने लगाया? I'm sorry, ma'am. हमने हटाने की कोशिश बहुत की टेम्पो का, पर वो टेम्पो वाला हटाने की तैयारी नहीं है। कौन था वो? सर एक्चुअली क्या है कि टेम्पो के नीचे ना एक बिल्ली है, अगर टेम्पो जरा सा भी हिला तो बिल्ली को या उसके बच्चों को चोट पहुंच सकती है सर, इसीलिए मैंने रोक के रखा हुआ था सर। प्लीज सर, टेम्पो के नीचे। तेरी इतनी हिम्मत, मॉम की गाड़ी रोकेगा? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी कार रुक गई। पर बुआ वो टेम्पो के नीचे ना बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, अगर टेम्पो जरा सा भी हिला तो बिल्ली या उसके बच्चों को लग सकती है। रानव क्या कह रहा है? बुआ बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, लग जाती ना। तू ना बिल्कुल अपने पिता पे गया, जो मेरा भाई, सच्चा दिल का अच्छा इंसान। चोट किसी और को लगती है, दर्द तुझे होता है। भाई मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? मैंने ये फैसला लिया है कि जहां आप मरोगे मैं भी वहीं मरना चाहता हूं। तू शायद भूल रहा है, हम राक्षस हैं और राक्षस कभी मरते नहीं। हाँ भाई लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन जहां आप होगे मैं भी वहीं हूँ। जहां से आपका खून बहेगा मेरा भी खून वहीं बहेगा, जहां आपकी मिट्टी मिलेगी मेरी भी मिट्टी उसके पास ही मिलेगी। भाई तो फिर करम का साथ है हमारा, खून का रिश्ता है भाई, खून का, खून का। तो मैं कभी जाने नहीं दूंगा। ए, ए, सुन, ध्यान सुन। क्या हुआ? तू ना बहुत ज्यादा ना हिंदी फिल्में देखना बंद कर। यामिनी सही बोलती है, बहुत हिंदी फिल्में देखने लग गया तो मुझे इमोशनल करता है बात बात में। तू राइटर क्यों नहीं बन जाता? कैसे भाई हो यार, इंसान नहीं हो क्या आप? हाँ नहीं, नहीं हूं इंसान।
शायद इसलिए अभी तक थोड़ा बहुत दिल बाकी है अपना। वो भी हीरो थे हीरो। एकदम आलू, मेरा मतलब दयालु, नरम दिल के। आज अगर वो यहाँ हो, वो भी ऐसे ही खड़े हो जाते कमजोर के लिए। थैंक यू बुआ जी। लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, कौन है ये काका जिसकी वजह से कॉलेज के सामने ट्रैफिक जाम हो गया? ये हमारे गांव के सबसे रईसों में से एक, कि शहर को बनाने में इन्हीं का योगदान है। यहाँ की सारी जमीन, आसपास के जंगल, यहाँ की सारी खाने, होटल, सब इन्हीं के हैं। और कुछ? हाँ, और भी बहुत कुछ है। क्या काका? राज, उनके पीछे बहुत सारे राज छिपे हैं। ये क्या है, दिखाओ। तुमने राक्षस और परी का स्केच बनाया और उस पे पोयम भी लिखी है। पेला, ये सब आज के जमाने में नहीं होते। मल्लिका, होता है, मैंने कहीं पढ़ा है। जैसे रूप बदलने वाली नागिन होती है ना, वैसे वैम्पायर्स होते हैं। आई मीन अमेरिका में वैम्पायर्स, हमारे यहाँ उसे राक्षस कहते हैं। तो राक्षस होते हैं। व्हाटएवर, होता है नहीं होता पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जो पोयम है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक काम करो, इसे मुझे दे दो, स्टेज पे मैं नरेट कर लूंगी। थैंक्स। नहीं मल्लिका, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। मेरे लिए कंपटीशन बहुत जरूरी है। क्यों? मेरी माँ के लिए। अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और मेरी कॉलेज की फीस माफ हो जाएगी। लुक, आदी की मॉम आ रही है चीफ गेस्ट बन के, मुझे उन्हें इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार वो इम्प्रेस हो गई ना, तो फिर मैं, आदी, हम दोनों, गॉट इट ना? और वैसे भी तुम फीस की टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, डैड को बोल के फीस पे कर दूंगी। मल्लिका, मुझे किसी का फेवर नहीं चाहिए। फेवर तो हम एक दूसरे पे करते ही रहते हैं ना। अब वक्त बहुत कम है, मुझे याद भी करना है। ये कौन है? You know, मैंने तुम जैसी लड़की आज तक कभी देखी ही नहीं। मालिका। सॉरी। मल्लिका, मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। आई विश मैं तुमसे कह पाता कि मैं तुमसे। मल्लिका, हाय। तुम कंपटीशन में पार्ट ले रही हो ना? हाँ। नाइस। And now it's time to call our chief guest, Mrs. Yamini Raichand. Yes. Put your hands together. मैं कई बरसों से इस शहर में रह रही हूँ। कुछ साल पहले इस शहर ने मुझसे मेरे दो भाई छीन लिए और तीसरा भाई खोया तो पाया भी है। इतने अच्छे पति और मेरे तीन बेटे। मैंने जिंदगी और बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो आज की जनरेशन से मैं यही कहूँ, हिम्मत कभी मत हारना। With such beautiful lines, let's begin our today's show. कहते हैं चांद दुनिया में नहीं होता, समंदर कभी गीला नहीं होता। अरे ये सब तो आंखों का धोखा है, असलियत में तो हर इंसान भूत होता है। And now we are presenting your final contestant, Miss Mallika. Put your hands together. Whoa!
एवरीवन, सो आज की मेरी स्टोरी का टाइटल है एक राक्षस और एक परी की प्रेम कहानी। चांद सी लड़की थी, एक उसका दीवाना था, लड़की का दिल भी तो उस लड़के पे आना था। प्यार वो करते थे पर किसे पता था मरने वाला ही आया है मारने। वो लड़की कुछ अलग सी थी, सहमी सहमी डरी डरी, पर वो थी राजपरी। परी लोक से आई थी एक जंग लड़ने, एक राक्षस की तपस्या को भंग करने। राक्षस को जब पता चला वो बन गया बला, लिया ऐसा बदला, धोखे से की शादी। प्यार के हाथों प्यार मरा। कहानी ये सदियों पुरानी थी, दो प्रेमियों की श्रापित प्रेम कहानी थी। ये लड़की कौन है? सो फ्रेंड्स, वैसे तो सभी पार्टिसिपेंट्स की कहानियां बहुत अच्छी थी, बट किसी एक की कहानी मुझे अच्छी से ज्यादा सच्ची लगी। तो आज की विनर है राक्षस और परी की प्रेम कहानी। अच्छा कर रहे थे। तो तू जानता है इस लड़की को? हाँ, यस मॉम, एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है। मैं मिलना चाहती हूँ उससे, आज रात की पार्टी में उसे इनवाइट कर। रियली? ओके। हे, फाइनली तुमने मेरी मम्मा का दिल जीत लिया, उन्होंने आज तुम्हें पार्टी में इनवाइट किया, कांग्रेचुलेशंस। यस, थैंक गॉड, सो हैप्पी। अब आगे क्या करना है ना वो मैं देख लूंगी। और मुझे भी किसी को देखना है। भैया भैया क्या कर रहे हो भैया, मार क्यों रहे हो भैया? सॉरी भैया। साले, मेरी माँ की गाड़ी रोकेगा, बिल्ली को बचाएगा। पर वो बिल्ली, वो तो बच गए लेकिन अब तू नहीं बच पाएगा। सॉरी भैया, सॉरी भैया। ये लोग इसे नॉनस्टॉप मार रहे हैं, दरवाजा भी खुला है, कोई आ जाएगा तो क्या करूं क्या करूं। सॉरी भैया, लेकिन अगली बार तुमने कोई भी गलती की तो वो गलती आखिरी गलती। नहीं करूंगा भैया, नहीं करूंगा। चल, गाड़ी नहीं रोकते तो बिल्ली मर जाती ना भैया। वेरी सैड यार, आज बर्थडे है मेरा, फिर वही बोरिंग खाना। तो यार क्या करें फिर, या कुछ तो अच्छा खिलाओ। यार सुन ना, मेरे को घर जल्दी जाना है, एक पार्टी में पापा को केटरिंग का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी है, तो मैं ना जंगल का शॉर्टकट लेके फटाफट जा रही हूँ। ठीक है, चल ठीक है, ओके बाय। अगर आपकी बात सही है काका, तो यहीं क्यों, कहीं और क्यों नहीं? बहुत कम राक्षसों को यहाँ पृथ्वी पर रहने की जगह मिलती है, वो अपने आप को छिपा करके रखते हैं, अगर वो दुनिया के सामने अपनी असलियत जाहिर कर दें तो प्रलय आ जाएगी। उनकी भूख जब भी बढ़ती है इंसानों को खतरा होता है, क्योंकि वो इंसानों को खाते हैं
और बदनाम बेचारे जानवर होते हैं। युदित, नक्श, चल तेरा बर्थडे मनाते हैं, चल। तारुक ने बताया तुम तीनों ने बेवजह रानव को मारा। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए पापा, क्यों चले गए? आप होते ना तो ये भाई मुझे इस तरह से मार नहीं पाते, आप मुझे बचा लेते। कितनी बार बोला है मैंने उस पे उतना ही रौब जमाओ कि वो तुम लोगों से डरे, तुम लोगों के वश में रहे। जब तक कोई बड़ा कांड ना हो जाए तब तक उसे मारने की कोई जरूरत नहीं। ये मत भूलो ये पूरी जमीन जायदाद सब रानव की है, जो कि उसका बाप यानी मेरा भाई अश्वत उसके लिए छोड़ गया है, जो उसे उसकी सालगिरह के बाद मिलेगी। उससे पहले उसको कुछ भी हो गया ना तो हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, सब ट्रस्ट में चला जाएगा। और इंसानी दुनिया में रहने के लिए हमें तीनों चीजें चाहिए, इज्जत, दौलत और शौहरत। यामिनी मैडम जरा ये देखिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं किसी तरह अपनी जान बचा के उस जंगल से, मैं आपसे कह रही हूँ ना, उस जंगल में कुछ तो है। वो ना, ना वो इंसान थे ना वो जानवर थे। कुछ अजीब से क्रीचर्स है उस जंगल में, वो भी एक नहीं तीन तीन। कितनी बार बोला है मैंने मारो तो पूरा मारो, अधमरा छोड़ के क्यों आ गए? तुम लोगों को पता है हम जैसे कितने कम राक्षस है धरती पे? देवताओं ने हमें हक नहीं दिया, हम धरती पे नहीं रह सकते, और अगर ज्यादा समय तक रह गए तो पकड़े जाएंगे, फिर देवता हमें जहन्नुम में डाल देंगे। देवता हमसे नफरत करते हैं, परियां तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती, और इंसान वो हमसे बहुत डरते हैं। तो इंसानों के साथ कभी कुछ गलत करो तो ऐसे करना तुम लगे कि जैसे जानवरों ने किया है। जानती हूँ, जानती हूँ प्यास है, इंसानी खून की प्यास। पर जिस दिन तुम लोगों के अंदर का ये राक्षस सामने आ गया ना, देवताए तुम्हें जहन्नुम में भेज देंगे, फिर जलना उसी नरक की आग में।
हम लोग पाताल में रहते हैं, जहन्नुम में, जो सबसे नीचे और सबसे खौलती हुई जगह है। यहाँ धरती पे हमारी ऐश है। क्यों हमारी ऐश की जिंदगी में आग लगाना चाहते हो? हाँ, इतने गुस्से में क्यों हो डार्लिंग? क्योंकि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। तुम्हारा इंसानी खून अगर उनमें नहीं होता तो आज मेरे बेटे कितने शक्तिशाली राक्षस होते। वैसे प्रॉब्लम वहां हो गई है कि तुम्हारे बाबा के जीन्स तुम में नहीं बल्कि तुम्हारे भाइयों में चले गए, जिनको तुमने, तुम्हारा दबंग भाई प्रथम, वो तो परी के पीछे मारा गया, और दूसरा, कभी गलती से भी मत कहना अश्वत्थ के साथ क्या हुआ था। वैसे डार्लिंग, तुम गुस्से में बड़ी रोमांटिक लगती हो, और कभी कभी दिल करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं, खा जाऊं, खा जाऊं। वैसे जब रानव राक्षस बनेगा तो मेरी राक्षसनी पत्नी क्या करेगी पता है ना? उसके रगों में किसका खून दौड़ता है पता है? मैं तो ये जानता भी नहीं हूँ कि आपके साथ में हुआ क्या। ये आपके भाई के साथ में क्या हुआ था? कोई कुछ बताता ही नहीं है। बस इतना पता है कि आपके बड़े भाई ना आपके साथ हमेशा खड़े रहते थे, आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करने देते थे, मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है पापा। हाँ मुझे पता है रानव में उन दोनों का खून है। अब तक तो मैंने रानव को अपने वश में कर रखा है क्योंकि अब तक उसमें अपने बाप का राक्षसी रूप नहीं आया, पर है तो वो उसी वंश का खून। अगर उसमें 1% भी अपने बाप का या फिर उसका, उसके चाचा का खून आ गया ना, जो हमारे राक्षस लोग के सबसे कट्टर और ताकतवर राक्षस प्रथम का खून है, तो हम सबका सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तो रानव से छुपा के रखनी है कि वो एक बहुत ही ताकतवर राक्षस बन सकता है, उसे अपने वश में रखना है, कहीं उसके अंदर का राक्षस बाहर ना आ जाए। यामिनी भूलो मत, 80 अस्त्र या तो तुम्हारे बाबा को मिल सकता था, या फिर तुम्हारे भाई को, या फिर मिलेगा तो रानव को। मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके अंदर कोई है, जैसे मेरे साथ में कोई है। उस राक्षस और परी की प्रेम कहानी का क्या हुआ? एक यही कहीं जमीन के नीचे दफन हो गया और दूसरे ने कहीं और जन्म ले लिया। वो कहते हैं ना, इतिहास फिर लौट कर आता है और अतीत आज बन जाता है। मेरा मन कहता है वो जरूर लौट कर आएगा और वो दोनों फिर मिलेंगे।